स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नेचर्स ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ खास वीडियो। हमेशा आप सोचते होंगे कौन सा ऐसा बेस है जो हम पार्लर में यूज़ करते हैं, तो मैं बताऊंगी आज आपको कि सुप्रा को किस तरीके से आप 100% वाटरप्रूफ कर सकते हो और एक मिक्सिंग करके बेस किस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं मिक्सिंग करना बताऊंगी आपको बेस की, और बेस आप देख ही रहे हैं मेरे फेस पर, मैंने मिक्सिंग करके ही लगाया है और देख सकते हो मेरे हाथों पर मैंने यहाँ पर यही बेस का यूज़ किया हुआ है। बहुत ही अच्छा बेस है, शाइन भी दे रहा है। तो वीडियो में चलिए दिखाती हूँ आपको किस तरीके से बनाएंगे बेस और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप देख सकते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ ये मेकअप लुक भी दिखाऊंगी ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, सीख पाएँ। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक करिएगा वो भी। तो देखेंगे इसमें यहाँ पर मैं क्या क्या ले रही हूँ। सबसे पहले ये कांच की कटोरी ली है। अगर आपके पास किट है मिक्सिंग करने वाली तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। मैं अपने फेस पर ही करके दिखाऊंगी, 100% वाटरप्रूफ होगा। पानी से वेट करके भी दिखाऊंगी कि कैसा लगेगा आपको पूरे फेस पर करने के बाद। और आप इसको एक ही बार बनाकर भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि ब्यूटी स्किन टोन का बना रहे हो, फेयर का बना रहे हो या मीडियम का। यहाँ पर मैं बेस मिक्सिंग के लिए रही हूँ क्रायलॉन की सुप्रा पैलेट किट, ये देख सकते हैं, और या फिर आप ले सकते हैं सुप्रा की ही पेन स्टिक। आप जितनी आप दोनों में से जो भी आपके पास दोनों में से यूज़ कर सकते हो, आप इसमें से लेना चाहते हो थोड़ा सा टुकड़ा इसमें से ले सकते हो, आप चाहते हो कि आप उस किट में से ले लें तो पूरी एक डिब्बी जो है इस तरीके की आप इसको पूरा निकाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इसमें से निकाल रही हूँ और जितने फेस की आपको बनानी है आप उतना निकाल सकते हैं। आप देखेंगे मैं कितनी कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ और ये भी 4 से 5 फेस पे आसानी से फुल ब्राइडल मेकअप हो जाएगा आपका। तो मैंने अपनी पेन स्टिक में से लिया है, ये ले रही हूँ मैं विटी स्किन टोन 6 to 6B। चाहे तो आप इस तरह की ले लें और पूरी एक को एक ही बार निकाल के बना सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो इस तरीके से निकाला मैंने, क्वांटिटी आप देखें। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड मैं ले रही हूँ रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। आप चाहते हैं एक नेचुरल ग्लो मिले, जैसे हम ग्लोई मेकअप करते हैं उसमें बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है नेचुरल, तो इससे हाइलाइटर से हमें वो ग्लो मिलेगा। नंबर थर्ड पे मैं लूँगी पैनकेक। 100% वाटरप्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्रायलॉन का ही पैनकेक। आपके पास जो भी पैनकेक है आप वो भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि पैनकेक हमारा 100% वाटरप्रूफ होता है, पसीना नहीं आता इससे, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये मिला है मैंने क्रायलॉन का। उसके बाद धूप आ रही है तो आप चाहेंगे हमेशा हमारा मेकअप ऐसा हो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, हमें SPF 50 या 40 मिल जाए, तो इसमें SPF 50 है और लोटस का सनसेफ है, ये मैं ये ले रही हूँ मैट जेल में है ताकि हमारा मेकअप मैट में हो, इसीलिए यहाँ पर सनस्क्रीन मिला है। उसके बाद आप लेंगे कोई भी सीरम या यहाँ मैं ले रही हूँ आर्गन ऑयल। आपके पास सीरम नहीं है, आर्गन ऑयल नहीं है, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं या अपना मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका मेकअप पैची नहीं होगा, फटाफटा सा नहीं होगा, स्किन ड्राई है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ले रहे हैं हम प्राइमर। सारी चीज़ें हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और बहुत अच्छे हमारे ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी कवर करता है, तो कलर बार का प्राइमर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम अपने मेकअप को और ज़्यादा वाटरप्रूफ करने के लिए। यहाँ मैं फिक्सिंग पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ क्रायलॉन का फिक्सिंग पाउडर लिया है मैंने डर्मा का। आपको पता है डर्मा सीरीज जो है वो बिल्कुल मैट में होती है हमारी, तो यहाँ पर फिक्सिंग पाउडर डर्मा का यूज़ किया है। अब इस बेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेस को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसमें कोई भी कण नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो आप अपना ऐसा ब्रश यूज़ करें जिसे आप फेस पर भी लगा पाएँ। तो मैंने ब्रश का चेंज कर दिया था। आप चाहते हैं आपके पास सीरम नहीं है तो विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स कर सकते हैं या मॉइस्चराइज़र मिक्स कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर यूज़ किया आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल मिक्स करेंगे तो एक बूंद डालेंगे, आप सीरम डाल रहे हैं तो 2 से 3 बूंद भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हो मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी, हाथ पर ही दिखा रही हूँ, फिर मेकअप करके दिखाऊंगी। और ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने हल्का वेट कर लिया। आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊं कि ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरीके से मेकअप में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आप देखना ना भूले। ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत अच्छे हैं और देख सकते हो पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल 100% वाटरप्रूफ होगा, आपका मेकअप 15 से 16 घंटे कहीं भी नहीं जाएगा। और अगर आप स्किन पर अच्छे से लगाते हैं मेकअप को स्किन टोन देख के, तो ये मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ पर अपने फेस पर मेकअप करूँगी। सबसे पहले लिप्स पर लिप बाम लगा लूँगी, स्टे क्यूकी का लिप बाम लगाया है, और उसके बाद फेस को क्लींजिंग मिल्क से अच्छे से क्लीन कर लूंगी। और आप देखेंगे मैं अलग से कोई भी टोनर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, प्राइमर या मेकअप फिक्सर किसी भी चीज़ का या कलर करेक्शन किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पर, और रिजल्ट आप लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले बेस ले लेंगे अपनी ब्रश में जो भी है, और इस तरीके से
देखकर लगा लें जितनी लगाना चाहते हैं। मेरी ब्रश में पहले से ही थोड़ा सा ज़्यादा था, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम ले लें और अच्छे से पूरे फेस पर लगा लें। हम इसके बाद लेंगे अपना ब्यूटी ब्लेंडर और अच्छे से मेकअप को सेट करेंगे। यहाँ पर कोई पॉलिशिंग ब्रश की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हो किस तरीके से सेट होता जा रहा है मेकअप, और यहाँ पर देख सकते हो इसी कटोरी में मैंने बनाया था ये, और इसी में से लिया है ब्रश में जितना था। और उसके बाद कॉन्टूरिंग करेंगे। मेरा फेस थोड़ा सा ब्रॉड है, तो कॉन्टूरिंग किस तरीके से करेंगे आप देखेंगे। स्टिक की कॉन्टूरिंग स्टिक ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा गहराई में जाके करूँगी अपनी जो लाइन, चिक एरिया और साइड का एरिया भी मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मेरा हैवी फेस है। नोज़ की भी कर लेंगे इसी से, इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी कॉन्टूरिंग। और आप लास्ट तक देखते जाएंगे, मेकअप बहुत ज़्यादा सुंदर होगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इससे अपने कॉन्टूरिंग को सेट करेंगे इस तरीके से, और देखेंगे कोई ब्रश का यूज़ नहीं होगा एक्स्ट्रा, एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा मेकअप सेट हो जाएगा आसानी से। इस तरीके से कर लेंगे। आप चाहेंगे तो नोज़ का भी इसी से कर लेंगे, आपके पास बारीक ब्रश है तो उससे कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखना चाहते हैं तो आकर सीख सकते हैं मेरे चैनल पर। 800 से भी ज़्यादा वीडियो है मेरे दोनों चैनल पर। नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड मेरा फर्स्ट चैनल है, ऑल अबाउट मेरा सेकंड चैनल है। और कंसीलर के लिए भी हम लेंगे यही अपना जो बेस हमने बनाया था, इसी को लेंगे, कंसीलर एरिया पे करेंगे। ये हमारे हाइलाइटिंग पार्ट होते हैं जिन्हें हम उभारते हैं लाइट शेड लगाकर, और कॉन्टूरिंग हमारे ऐसे पार्ट होते हैं हैवी जिन्हें डार्क कलर से हिस्सों को, उभरे हुए हिस्सों को दबाते हैं और लाइट से हम दबे हुए हिस्सों को उभारते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितना अच्छा बेस बनेगा, और फिर इसे भी इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा कॉन्टूरिंग पार्ट और हाइलाइटिंग पार्ट दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट कॉन्टूरिंग को भी सेट करना पड़ता है हमें पाउडर कॉन्ट्यूर से। तो वहाँ पर भी आप पाउडर कॉन्ट्यूर लेना चाहते हैं तो मोडा का भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी अपना फेसिस अल्टाइन प्रो का कॉन्ट्यूर ब्लशर पैलेट। तो इस तरीके से अपने कॉन्ट्यूर को सेट कर लेंगे। और भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे मेकअप के वीडियो हैं, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। और इस तरीके से पूरे कॉन्ट्यूर को सेट कर लेंगे और फिर हाइलाइटिंग पार्ट को करेंगे। यहाँ पर आप करना चाहते हैं अपना कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर मैंने फिक्सिंग पाउडर पहले ही बेस में मिला दिया था, तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें मेकअप में फिनिशिंग देनी होती है तो उसी के लिए यहाँ पर मैं फिक्सिंग पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। क्रायलोन डर्मा का है, आप चाहे तो अपना कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा हमारा मेकअप। और आप चाहते हैं कि मैं ओलिविया पेन स्टिक का भी बताऊं या और भी किसी प्रोडक्ट से बताऊं तो मुझे कमेंट करें अच्छे। और यहाँ पर मैं ब्लशर के लिए ले रही हूँ अपना फेसिस अल्टाइन प्रो का ही ब्लशर। इसमें 3-in-1 है, हमें हाइलाइटर दिया जाता है, कॉन्ट्यूर दिया जाता है और ब्लशर भी दिया जाता है। और ब्रश मैंने यूज़ किया है कलर बार का इस तरीके से। और मेकअप में आप देख सकते हो ग्लो कितना अच्छा है। मैंने इसमें मिलाया था ये रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, आप चाहते हैं तो लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं अपने चिक बोन एरिया पे या जितने भी हाइलाइटिंग पार्ट हैं उन पर। और लेकिन चाहते हैं आप पाउडर लगाएं तो पाउडर मैं फेसिस अल्टाइन प्रो का ही लगा रही हूँ। आप देखेंगे कितना अच्छा है। मैं हर वीडियो में आपको वही प्रोडक्ट दिखाना पसंद करती हूँ जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देख सकते हो हाइलाइटर का रिजल्ट भी। और एक आप चाहते हैं, मैंने हाइलाइटर मिलाया था उसमें, आप चाहते हैं एक ऐसा मेकअप लुक जिसमें बहुत ग्लो होता है, शिमरी सी शाइन होती है, तो मैंने हाईली यूज़ किया आपके मेकअप बेस में एक नेचुरल सा ग्लो आ जाए। और ऊपर से आईज पे ज़्यादा मेकअप ना करते हुए मैं रेड कलर की आई शेडो ली है और इसी को आईज के नीचे वाले पार्ट पे भी इस तरीके से लगा दूंगी ताकि आईज थोड़ी लॉन्ग लगें और ज़्यादा मेकअप भी ना करना पड़े। तो इस तरीके से, और फ्रंट में मैंने लगाया थोड़ा सा सिल्वर। फॉल्स आई लैशेज लगा ली हैं, उसके बाद आप चाहते हैं लाइनर भी क्रायलोन का मैट लाइनर आता है, आप वो लगा सकते हैं। ब्रश की सहायता से लगाते हैं इसे वेट करके, या आप चाहते हैं स्टे क्योंकि का लगाएं, क्योंकि वाटरप्रूफ मेकअप है, गर्मियां आ रही हैं तो आप चाहते हैं इतना लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए आपका मेकअप कि पानी भी डालें तो बिल्कुल भी ना हटे। और मैं आपको पानी डाल के दिखाऊंगी अपने पूरे मेकअप में। उसके बाद मस्कारा लगा दिया था फेसिस अल्टाइन प्रो का ही। इसके बाद लिप शेड मैं यूज़ कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे ये हट जाएगा, बट ये 100% वाटरप्रूफ है, लगने में भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इजीली लग रही है और बिल्कुल भी नहीं हटेगी, 100% वाटरप्रूफ है, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। और मैंने ब्राइडल पे भी लगाई हुई है, शेड आप देख सकते हैं और शेप भी देख सकते हो। मैंने कोई पेंसिल का यूज नहीं किया, कोई ब्रश का यूज नहीं किया। पर्पल का क्रियॉन मैट लिप शेड है, इसका नंबर है 9।
तो ये देख सकते हो मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है विदाउट मेकअप फिक्सर में। यहाँ पर तो मैंने शर्ट डाली है, बट आप कोई ब्राइड कर रहे हैं या अपना पार्टी वेयर मेकअप कर रहे हैं तो आप इस तरीके का मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा और बेस बनाना बहुत ही आसान था। ऑप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको सभी प्रोडक्ट का, और अगर आप लेना चाहते हैं क्रायलॉन के प्रोडक्ट तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप आसानी से ले सकते हैं और इस तरीके से बेस बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जेक्यूकी का भी बताऊँ, ओलिविया का बताऊँ, तो मुझे ढेर सारे कमेंट करिएगा और साथ ही साथ मेकअप करके भी दिखाऊंगी आपको। आते हैं अभी भी मैं एक बार वाटर स्प्रे करके दिखाऊँ, तो दिखते हैं। तो देख सकते हो मैंने पूरे पे पानी डाला हुआ है, मेकअप बिल्कुल अच्छा है। और जब हम पानी डालते हैं अपने मेकअप पे तो ऐसा नहीं कि मेकअप बिगड़ जाता है, मेकअप और ज्यादा हल्का महसूस होता है और ज्यादा अच्छे से सेट हो जाता है। यहाँ पर आप एक टिश्यू ले लेंगे और पूरे मेकअप को हल्के से सेट कर देंगे। जिनके स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होगा, बिल्कुल भी काला नहीं होगा। और जितना प्रोडक्ट बचा उसे इस तरीके से रख देंगे ताकि आप बार बार ब्राइड में यूज़ कर सकें। आप ये साड़ी या ये ज्वेलरी कुछ भी देखना चाहते हैं तो मेरे सिम स्टोर से ले सकते हैं, बहुत ही कम बजट में है। 350 की साड़ी है, 160 का मंगलसूत्र के साथ एयर रिंग्स है वो भी पर्ल में। तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियो है मेरे सिम स्टोर पे, सिम के ऐप को डाउनलोड करें और देख सकते हैं सिम स्टोर पे बहुत ही सारे प्रोडक्ट सभी कुछ है वहाँ पर। लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लें। और वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया सभी के लिंक दे दिए मैंने, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको मेरा बेस बनाने का तरीका पसंद आया और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ढेर सारे कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।